गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ मेकअप ब्यूटी लाइफस्टाइल फैशन एंड मच मोर। और अभी तो मैंने ना बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू कर दी है जो आई एम श्योर आप देखने में इंटरेस्टेड होंगे ही होंगे। छोटी सी छोटी चीज का ख्याल कैसे रखना है अपनी बॉडी में, वो सबना मैं आपके साथ आजकल शेयर कर ही रही हूँ, कंटिन्यूअसली शेयर कर रही हूँ आई मीन काफी लंबे समय से। सो उसको ना फॉलो जरूर कर लो, मतलब मुझे फॉलो कर लो तभी तो आपको वो सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। कहाँ पे? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम हैंडल मैंने याद दे रखा है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर लो। सो विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपको बता दूँ कि मैं आज आपके साथ शेयर क्या करने वाली हूँ। सो गाइज अपने बालों के लिए ना, अपने बालों को ऐसा लंबा घना बहुत सुंदर लस्टर शाइनी बनाने के लिए ना हम काफी कुछ चीजें ट्राई करते हैं और मैं भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ कि मैंने ये चेंजेस किए हैं तो आप वो कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर चीज हर किसी पे काम कर जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझ पे काम करती है आप पे काम नहीं करती, आप पे काम करेंगी तो वो मुझ पे काम नहीं करती है। डिपेंड्स कि हमारे बाल कैसे हैं, उनका टेक्सचर कैसा है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं DIY ऐसे होती है जो हर किसी के ऊपर ना सूट कर जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ हार्म तो होता ही नहीं है यूज करने। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, किचन इंग्रेडिएंट है जिंजर, तो अगर आप जिंजर का यूज करते हो अपने हेयर ग्रोथ के लिए तो वो तो काम करेगी ही करेगी ना, क्योंकि उसके अंदर तो क्या है, उसके अंदर तो सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये हमें पता है कि जिंजर हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है और हमारे जो ओवरऑल हेयर होते हैं एग्जिस्टिंग हेयर उनके लिए भी ना वो बहुत अच्छी होती है। सो जैसे आपको पता है कि अनियन का जूस हमारे लिए बहुत अच्छा होता है तो मैं तो वो भी लगाती हूँ। जिंजर का भी ना जूस हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, मैं वो भी लगाती हूँ। बट कई टाइम से क्या हो रहा है ना, मुझे समय मिल नहीं पा रहा है ये सब DIY करने का, इनको लगाने का। तो मैंने सोचा कि कोई तो ऐसा होगा जो इसका एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट हो, जो मुझे कम समय में ना वैसे ही रिजल्ट्स दे, वो जो भी हो ना मैं उसको लगाऊं और वो स्टे करे। ऐसा नहीं है कि बस उड़ जाए, उसका पता ही नहीं लगे कि यार लगाया भी था या नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज आपकी स्किन के ऊपर स्टे कर रही है तो वो अपना काम तो ऑब्वियसली बात है करेगी करेगी ना। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बालों की, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई वाटर टाइप की कंसिस्टेंसी की चीज मैं लगा दूं और वो ऐसे ही उड़ जाए हवा में, नहीं। कुछ तो ऐसा हो जो रिटेन करे, वो है गाइज ये है 7 days फील ऑफ नेचर का जिंजर हेयर सीरम। अब इसके अंदर जिंजर है और ये हेयर सीरम है, तो आपको क्या करना है, हेयर पे लगाना है और इसके अंदर जिंजर है। तो आप समझ गए ना कि जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें पहले मिल रहे थे ना जब हम DIY कर रहे थे जिंजर का, वही सेम रिजल्ट्स आपको इससे मिल जाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि आपको कोई मेस नहीं करनी होती है, कोई मेहनत नहीं करनी होती है। आप अपने कम्फर्ट जोन में अपने बेड पे बैठे हो, काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा है अप्लाई कर लो, छोड़ दो, आप अपना काम करते रहो, ये अपना काम करते रहेगा, दोनों का काम हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, ये होगा रिजल्ट गाइस, काफी ज्यादा सुंदर रिजल्ट आता है इसका। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की बात है, आपके सामने ही है जो भी है, क्योंकि आप हमेशा मुझे बोलते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि ये नया ट्राई किया, ये नया ट्राई किया। जो चीजें काम नहीं करती उनको स्किप कर देती हूँ, जो करती है सिर्फ वही आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका टाइम क्यों वेस्ट करना ये बताने में कि ये ऐसा है, बट ये मुझ पर काम नहीं किया तो आप इसको मत देना। अब देखो ये देखने में तो ऐसा लगता है जैसे सीरम होते हैं ना वैसा ही वैसा है बिल्कुल, और इसको का एप्लीकेशन ना बड़ा ज्यादा आसान है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लगा लो अपने स्कैल्प के ऊपर या फिर हाथ में लेके ऐसे ऐसे करके लगा लो, कॉटन से लगा लो, जैसे आपका मन करे आप वैसे ही से लगा लो। और ये दिखा दूं तो मैं इस टाइप का, और इसकी कंसिस्टेंसी ना मतलब ऐसी है ऑयल और वाटर की जो मिक्स होती है ना वैसी है, बट हाँ ये एकदम ड्राई नहीं है, आपको थोड़ा सा नरिशमेंट तो ये देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब ये रिटेन करेगा स्टे करेगा तभी तो इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना। बट ऐसा नहीं है कि ये स्टिकी कर देता है आपको बिल्कुल ऐसा कि मतलब कहीं जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। एक ड्रॉप लो उसको अच्छे से ना आपको अपने स्कैल्प में ना ऐसे मसाज करनी है इससे, बड़े अच्छे से लाइट वेट से आपको ना बहुत जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये जो सीरम है ना इसको आप नहाने से पहले लगा लोगे मोर देन सफिशिएंट, मतलब मैक्स टू मैक्स ना आप इसको 30 मिनट्स भी रख लेते हो ना अगर अपने स्कैल्प पे तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट लगाओ या फिर 2-4 घंटे रखो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा इफेक्टिव है ना कि 30 मिनट्स में ये आपके लिए काम कर देगा। बहुत बार क्या होता है ना हमारे बालों में ना इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्कैल्प हमारा बहुत ना फ्लेकी सा हो जाता है, आप समझो वो पापड़ी है जैसी उखड़ने लग जाती है, उसको भी ना ये काफी अच्छे से ना ट्रीट करता है, प्रोटेक्शन देता है उससे, तो बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होने देता है ये। और जब आप इसको लगाने के बाद हेड वॉश करते हो ना तो आप खुद फील करते हो कि जो स्कैल्प है ना हमारा वो काफी ज्यादा ना आप
सोचो कि हेल्दी आपको फील होता है, आपको लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे करोगे तो आपके बाल टूटेंगे नहीं। सो गाइस, के अंदर पाया जाता है जोजोबा ऑयल, दैट इज अ नेचुरल लुब्रिकेंट लाइक सीबम एंड इज गुड फॉर ऑल हेयर टेक्सचर। जिंजर ऑयल पाया जाता है दैट बूस्ट सर्कुलेशन इन योर स्कैल्प। लेमन ऑयल भी है इसके अंदर, दैट हेल्प्स कंट्रोल बिल्डिंग अप एंड मेंटेन अ हेल्दी स्कैल्प। कैस्टर ऑयल भी है इसके अंदर, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राइनेस, ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स। कोकोनट ऑयल भी है, वेरी गुड फॉर द स्कैल्प एंड मॉइस्चराइज द हेयर। सनफ्लावर ऑयल भी है इसके अंदर, कंटेन्स ओलिक एसिड विच स्टॉप्स हेयर ब्रेकेज एंड हेल्प्स इन फास्ट हेयर ग्रोथ। श्योर कि आप कोई भी ऐसा महंगा शैम्पू, कंडीशनर, मास्क नहीं लगा रहे हो ना, तो भी आप अपने लिए ना अच्छे बाल ला ही सकते हो। कैसे? ये जो हेयर सीरम है ना, इसकी हेल्प से, क्योंकि ये जिंजर हेयर सीरम है और सीरम तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो उसको ना अगर आप अप्लाई करते हो तो वो बहुत जल्दी असर लेकर आते हैं कंपैरेटिवली ऑयल, आप कोई भी ऑयल की बात कर लो। तो इसको ना गाइस एक बार ट्राई और चेक जरूर कर ले रहा हूं। 30 ml की क्वांटिटी है इसकी और प्राइस है इसका ओनली 699, बट अगर आप चेक करते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आपको पता है ना आपको मिलता है डिस्काउंट। तो गाइस फटाफट से डू चेक इट नाउ। सो चलिए चलती हूं, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक लिए टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।